फोटो लग रहा है, ये फाइल मेरा सपना है। अगर ये फाइल क्लियर होगी तो नु लगा लो तुम्हारे भाई का सपना पूरा होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या चल आपके, आई होप आप अपने घर होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ, तुम मेरी शक्ल भी भूल जाओगे क्योंकि अभी मैं फिलहाल अपना जो लुक है ना भाई वो रिवील नहीं करना चाह रहा। मतलब दाढ़ी वाढ़ी बड़ी करूंगा, बाल बड़े करूंगा, कुछ टाइम लगेगा मुझे, तुम्हें ऐसे ही देखना पड़ेगा कि कितनी बुरी शक्ल का छोरा है। पर बुरी शक्ल ना यार, शक्ल बहुत बढ़िया है। एक बार वो लुक आ जाना तो जो मैं चाह रहा हूँ ना अंदर, तो मैंने बचपन तक जो सोच रखी थी वो मैं बनाने की सोचूं, पहले भी सोचे करता लेकिन बीच सिक में ऐसी हालत हो जावे कि है त्यार कटवा यार इन पे। लेकिन अब की बार मैं सोच रहा हूँ कि ना कटवाऊँ और थोड़ा सा टाइम ले लूँ, अगर हो जाएगा तो बढ़िया है ही। तो देखते हैं, तुम मेरा साथ देना, तुम कमेंट में ये मत करना कि भाई दाढ़ी कटवा लो, भाई बाल कटवा लो, बड़े हो रहे हैं। तो मेरे अंदर भी ना थोड़ा सा हौसला बना रहेगा। आज व्लॉग मैंने इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि आज है शूट मनीष का और उसमें मैं भी हूँ, तो मैं क्यों ना व्लॉगिंग कर ली जाए। वैसे तो तू करता नहीं है पर आज तो कर ही लूँ, इसलिए मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ जिम। जिम में मैंने बेरा भी ना था, आज शूट है मनीष का, तो मेरे पास फोन आया, मैं जिम निकला ना तो उसने ऊपर तक गाड़ी वाड़ी देख ली मेरी, तो कह रहा कहाँ जा रहा है, मैं जिम जा रहा हूँ। कह रहा भाई शूट है आज तो जल्दी आ जा। मैंने तो दाढ़ी सेट भी ना करवाई। जो मेन चैनल है जतिन शर्मा वाला, उस पर भी भाई वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। तो उस मतलब जो मनीष वाला शूट खत्म होते ही उसका अगला शूट मेरा है। आज का भाई मौसम भी बहुत तगड़ा हो रहा है, धूप निकल रही है बहुत दिनों के बाद। मतलब बीच बीच में निकले करती लेकिन आज कैडी वाली निकल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम चेंज हो जाएगा, जैसे अभी ठंड चल रही थी ना बहुत कैडी, धुंध पड़े करती और बर्फ की तरह हवा चले करती, जैसे ठंडी बर्फ रहे ना ऐसी हवा चले करती। अब मुझे लग रहा है कि गर्मी आ जाएगी, धूप वूप निकलेगी और ठंड कम हो जाएगी दो चार दिनों में। फरवरी मतलब जो तुम्हारा वैलेंटाइन डे और ये बनेगा ना, क्या क्या बनता है, रोज डे बनता है, टेडी डे, स्लैप डे, ये चीज़ें बनती है ना, तो ये तुम्हारी बढ़िया मौसम में बनेगी। छोरियों के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि वे अपना वे पहने कर है ना, पर वे तो भाई ठंड में भी पहन ले, एक चीज़ मैंने देखी हुई ठंड में भी पहन ले, उन्हें कोई फर्क ना पड़ता। तो लड़कों के लिए बढ़िया है, जैकेट वैकेट ना पहननी पड़ेगी, टी शर्ट या शर्ट में तुम जा सकते हो बटन खोल के ऊपर के। तो देखते हैं मौसम चेंज हो जाए तो। लो भाई देख लो इनका खाना चल रहा है, यहाँ कौन कौन है कैमरे में तो देख रहा हूँ मैं, अभी जस्ट बाहर आया हूँ। मनीष पटियाला, एक भाई का नाम भूल गया यार, क्या नाम था याद ना आया। हाँ यो डेलिशा और यो कीर्ति खाना खा रहे हैं, घर घर ना इन पे गर्म बैठ के ना खा सके, पार्क में बैठ के पिकनिक मनाना है। अरे पहनावा क्या, कौन सी कंपनी है, अरमानी। अरमानी ये कौन सी चश्मा का, ये भी अरमानी का भाई, वर्साचे है वो। अच्छा वर्साचे है क्या, मैं पहन रहा हूँ मुझे पता नहीं। यो देख रहा हूँ, अरे यो वाला नहीं, ये वाला देखो भाई, ये वाला ठीक है। यो एचीकु का, कौन सा चीकू का, चीकू का वो बरसाते वाला इसने दिया भाई चीकू। अरे यो वहां पे मैं कहता हूं नकली वाला इसका देख। अरे वहां तो लेके आए थे लद्दाख तक, पर बढ़िया लग रहा है भाई, बिना फ्रेम वाला है। अरे हाँ लग तो बढ़िया रहा, कौन कह रहा नहीं लग रहा भाई, भाई देखो चश्मा 100 रुपए का हो या 10 लाख का हो, आदमी जिस जो पहन रहा है ना उस पे वो होता है, समझ रहे। हाँ अब जैसे कि मान ले मैं ये बरसाते पहनूंगा, ये बरसाते पहनूंगा तो ये नू लगा ले तू, ऐसा लगेगा जैसे 10 करोड़ का चश्मा हो, समझ रहा पटियाला ठीक है, अभी वो पैर है, अभी पैर एक बार पैर, अब ये 100 रुपए वाला लग रहा है ना, सच बताइयो। नहीं नहीं क्या पैर, तेरे पे बढ़िया लग रहा है बरसाते, कितने का लग रहा है, 250 वाला। ले यार हम लगा देते, पटेल पकड़ियो, मैं ही बेइज्जती कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। ये ले अब बता, अरे तो 13 पे फिट हो रहा है, अब अच्छा लग रहा है ना, यस। चलो भाई शूट कर लेते हैं, ओके चला दिया इन्हें, अपनी शक्ल भी ना दिखाई जब तक तो मैं रेडी होकर आया हूँ। लो गाइस देख लो, तुम बरसाते देख लो, तुम्हारे भाई की शक्ल भी देख लो, ठीक है। दाढ़ी वाड़ी मैं सेट कर ही आया हूँ ऊपर अपने घर पे, भाई मैं और कहीं नहीं जाता, भाई यहाँ चल रहा है शूट, ठीक है। यो जो मोटरसाइकिल है अपनी कमांडो, इसकी ताड़ी टूट गई थी, ताड़ी टूटने के बाद रिम जो है ना, रिम मुड़ गया था, तो मैं इसमें ताड़ी डलवा कर लेकर आया हूँ। ये देखो मतलब इसकी तो मिली ना, तो जुगाड़ करा है, ये
ये जुगाड़ हो रखा, कभी भी टूट सके। मैंने ऑर्डर दे दिया कि भाई नई ताड़ी लिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई मैं ले आता हूँ, उसके बाद हो जाएगी सेट। अब देखो बंटी से कितने दिन चलाएगा कितने दिन ना चलाएगा, इस पर चार पांच जने बैठेंगे और वो ताड़ी टूटेगी तो मुझे पता चल जाएगी इस पर बैठे कितने। हेलो मॉम, कैसे हो? तो चश्मा लगा कर बैठे हो, क्या देख रहे हो भाई? ओ देख रहे हो मम्मी भाई, पूरे दिन शॉपिंग ही शॉपिंग चलती रहती है। मम्मी ने भी अभी मूंगफली खाई होगी, है ना मम्मी? कैसी लगी मूंगफली? एक नंबर ना है, बढ़िया ना है? अरे यार मैं तो जानबूझ के इतनी बढ़िया लेकर आया हूँ, मैं भाई जो सबसे महंगी है ना तेरे पास वो वाली दे दे। महंगी तो कोई मतलब महंगी है तो अब थे ही, कोई दुकान वाला है वो रखेगा तो ऐसे तो रखेगा कि भाई पहले नॉर्मल फिर उसका बढ़िया फिर उसका बढ़िया फिर उसका बढ़िया, तो मैंने सबसे बढ़िया वाली पे भुन कम रही है ना, भुन कम रही है। ओ मम्मी ने मेरे साथ धोखा कर दिया यार, ये चले गए शूट पे मुझे छोड़ के, मैं यार रेडी हो गया हूँ बताओ। तो फिर क्या होगा, रेडी हुआ तो? ए यार मैं नहाना नहीं चाह रहा था, मैं नहाया सिर्फ और सिर्फ शूट के लिए और अब शूट हो नहीं रहा मेरा। कह रहा कि आके फिर करेंगे तेरा वाला सीन, तू जो काम है वो कर ले। मैंने ठीक है वैसे तो कोई काम ना है पर फिर भी कर लेते हैं भाई। अभी मैंने टी शर्ट मंगाई थी, ठीक है अभी टी शर्ट आ गई छोटी और मैंने पैर पैर के देख रहा था कैसी लग रही है बताना। एक फोटो खिंचवाऊंगा ऐसा करके ऐसा। गाइस हमने फिर से चेंज कर लिया क्योंकि हमारा शूट नहीं हुआ, मेरा सीन नहीं आया। मम्मी भैया ड्रेस चेंज कर करके पागल होगा। मैंने सोची एक दो रील बना लूं तो अलग अलग ड्रेस में बनानी चाहिए जो कि मैंने बनाई है, तो तुम जाकर देखना इंस्टाग्राम पर एक नंबर। लेकिन यो काट दिया वो फेंक दिया वो निकाल दिया वो पहन लिया, तो जब है जब सारे कपड़े लगते मैं अपने उठाता हूँ। अरे उठा रखे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ उठा रखे जब कह रहा आजा। अरे मम्मी ना उठा रखे यार, फिर कैसे कह रहे? चलो देखा देखते हैं। मैंने ना बिरमन उठाए ना उठाए। अच्छा हाँ देख ली, ये तो वैसे तय लगा है मेरे रूम में एक नंबर, बिल्कुल साफ सफाई मिलेगी जैसे कि ये। भाई मम्मी बहुत काम कर रहे हैं भाई, लगा लो तुम इतना काम कर रहे हैं कि कोई ना करता है, ना मैं करूँ ना मनीष करे। गाइस ये जो फाइल देख रहे हो ना तुम, देखो तुम्हें दिखा देता हूँ। ए ए ए ये जो फोटो लग रहा है, ये फाइल मेरा सपना है, अगर ये फाइल क्लियर होगी तो नु लगा लो तुम्हारे भाई का सपना पूरा होगा। क्यों पटियाला? अंदर एक आदमी है बड़ा भाई वो पूरा करवा सकता है, वो करवा भी सकता है, वो तोड़ भी देगा। हाँ तो जहाँ तक चांस है वे ऐसा रखने की पूरा करवा दे। लेकिन ये जो शख्स है इसने तो भाई मनाई कर दी क्लियर, यो तो करवाना भी ना चाहे ना चाहे तो सच बताइयो, जिस दिन तेरा यो सपना पूरा होगा ना उस दिन नू लगा लियो दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म। तुम अगर कमेंट लिख रहे हो तुम बोल दो ऑल द बेस्ट मनीष भाई क्लियर करवा दो, बस इतना लिखना कमेंट में, मनीष भाई क्लियर करवा दो बस, क्लियर है ना पन्ना क्लियर कर दो मना कर दे यार, ये दिमाग खराब ये चीज नहीं होनी चाहिए है ना, क्लियर कर दे। चलो देखते हैं भाई, अगर बात बनी तो ठीक है, नहीं तो देखा कि जो लास्ट वाली क्लिप थी ना मेरी 2-2.5 मिनट की, वो मैंने स्लो मोशन पे शूट कर दी तो अभी थोड़ी सी चली, उसके बाद ऐसे करने लगी तो मैं कह रहा यार उसमें जो बात थी बढ़िया हंसी मजाक था लास्ट वाली क्लिप में वो सारा खराब होगा। पर चलो कोई बात ना, अगर आप लोगों ने ये वीडियो तक देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, मिलता है फिर नई वीडियो में मेन चैनल वाली में भी और नए व्लॉग में भी, तो देख लेना तुम ठीक है। मैं हो सके तो मैं डेली भी व्लॉगिंग करना चाहूँ यार, लेकिन पता ना क्या दिक्कत है मेरे साथ में कर ना पाऊँ, देखते हैं जैसा भी होता है। अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, मिलता है फिर नई वीडियो में, टाटा बाय।